गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम एकता। और आज की वीडियो मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी मुझे रिसेंटली रिसीव हुए थे। ये सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नई जो ब्रांड्स हैं लॉन्च हुई हैं उनकी तरफ से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज एज यू कैन सी दिस इज़ द ब्लैक बॉक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम सैरी। सो सैरी कॉस्मेटिक्स एक मेकअप ब्रांड है जो कि नई लॉन्च हुई है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि मुझे सैरी कॉस्मेटिक्स की तरफ से रिसीव हुए हैं और मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको बेस प्रोडक्ट्स, सारी की सारी पैकेजिंग ऐसी है मैट ब्लैक कलर में, सबके डिटेल्स मेंशन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो ब्रांड है ये एक नेचुरल मेकअप ब्रांड है। दिस इज़ पैराबिन फ्री, क्वेल्टी फ्री। यू नो गाइज स्किन केयर हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, नेचुरल स्किन केयर ब्रांड बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में, लेकिन जो नेचुरल मेकअप है जिसमें कि पैराबिन्स यूज़ नहीं होते, सल्फेट्स यूज़ नहीं होते और जो कि क्रुएल्टी फ्री होती हैं स्पेशली, वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है अपने इंडियन ब्रांड्स में। और यस दिस इज़ मेड इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये हाइलाइटर स्टिक जो मेरे हाथ में आया है। और लुक एट द पैकेजिंग गाइस, दिस इज़ वेरी स्लीक। सबकी पैकेजिंग सेम है, सारे के सारे जो कि बेस प्रोडक्ट्स हैं वो हैं स्टिक प्रोडक्ट गाइस। तो आप इसे फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ईजिली ब्लेंडेबल हैं। मैं सबसे पहले दिखाती हूँ ये हाइलाइटर स्टिक। As you can see, this is very champagne gold color highlighter and मैं swatch दिखा देती हूँ जल्दी से। This is the swatch। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और क्रीमी है, क्योंकि मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ एक बार, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ दीज आर रियली गुड प्रोडक्ट्स। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइज ये नए लॉन्च्ड हैं, तो आई थिंक ये अमेजोन पर अवेलेबल हैं। मैंने नायका पे चेक किया था, पर्पल पे चेक किया था, बट वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ अमेज़ोन पे हैं। तो मैं उन सबका जो लिंक है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टिक प्रोडक्ट वो है सैरी फ्लैश लाइट ब्लशर स्टिक। और गाइज ऐसा नहीं है कि ये हाइलाइटर मतलब एक ही शेड में है और ब्लश एक ही शेड में है, इनमें काफ़ी सारे शेड्स भी हैं। दिस इज़ द शेड गाइज, दिस इज़ कोरल ब्लश, यू कैन सी। और जल्दी से मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ। दिस इज़ द कलर, दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी गाइज। ऐसा कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें पीची ऑरेंज का हिंट है और यू नो गाइज पीची पिंक प्रिटी है ना। थर्ड प्रोडक्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सैरी है फाउंडेशन स्टिक गाइस, फिक्स एंड क्लिक फाउंडेशन स्टिक। और इसे अपने फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं आप। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे फाउंडेशन ब्रश के साथ ब्लेंड करें, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्टिक प्रोडक्ट्स उससे जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं। आप स्पॉन्ज की हेल्प से करोगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो दिस इज़ माई शेड गाइज, और परफेक्ट शेड है मेरे लिए। लेकिन जो ये कवरेज देता है वो शेयर टू मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज वाला नहीं है ये फाउंडेशन स्टिक। दिस इज़ द कलर गाइज, यू कैन सी थर्ड वन। और ये मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। उसके बाद मुझे मिले हैं दो फोकस आई शेडो स्टिक। तो गाइज एज यू नो सारे के सारे स्टिक प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये E3 Jade। तो दिस इज़ द स्टिक, दिस इज़ द ग्रीन वन। ओके सो यू कैन सी दिस इज़ द कलर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। थोड़ी थोड़ी इसमें शाइन है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो सकते हैं। यस मैं अपने फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, देखो ब्लेंड भी हो गया। नेक्स्ट जो आई शेडो स्टिक है मेरे पास उसका जो शेड नंबर है वो है मरीन। हाँ जी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है अपने आईज पे पहले भी। सो दिस इज़ द शेड गाइस, टील ग्रीन कलर है इसका। और मैं ज़रा दिखा देती हूँ, लुक एट दिस कलर, शाइन है, शिमर है और बहुत ही सुंदर वाला शेड है ये वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुझे एक रिसीव हुआ है काजल। तो दिस इज़ द रिट्रैक्टेबल काजल विच आई लाइक से यहाँ पे। मैंने इसको एक्चुअली यूज़ नहीं किया था एंड मैंने जब इसे स्वैच करके देखा गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी क्रीमी। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड लुक एट द
कलर गाइस, दिस इज जेट ब्लैक ई की स्वाइप में, मतलब ई की एप्लीकेशन में इतना अच्छा कलर। सो अब आ जाते हैं गाइस लिप प्रोडक्ट्स पे। सो दिस इज द रोज रेव शेड, ये है लिपस्टिक जिसका शेड नंबर मैंने आपको बता दिया है। लुक एट दिस, ये है बुलेट लिपस्टिक। एज यू कैन सी दिस इज वेरी वेरी प्रिटी कलर, लुक एट द कलर गाइस। एंड यस दीज आर मैट लिपस्टिक, बट ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मैट है, कंफर्टेबल हैं आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा। मेरे जो लिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, मुझे बिल्कुल मैट लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसे फॉर्मूला पसंद हैं जो कि मैट भी हो लेकिन वो कंफर्टेबल भी हो साथ साथ। और अब मैं दिखाती हूँ सेकेंड शेड, दिस इज़ द वंडर वाइन, और मैंने एक बार इसे यूज़ किया है। दिस इज़ डीप मरून कलर एंड ये सारे स्किन टोन्स को बहुत अच्छी तरीके से सूट करेगा। मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। लुक एट द कलर गाइस, आई लाइक दिस कलर। ये मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो क्योंकि ये डीप मरून है ना, मेरी मम्मी को इस तरीके के कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। थर्ड लिप शेड है मेरे पास, वो है प्रिंसेस पिंक। सो दिस इज द थर्ड लिपस्टिक जो मुझे रिसीव हुई है गाइस, एंड आई लव दिस कलर। मैं इसको 2-3 बार वियर कर चुकी हूँ और इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे। एंड सच अ प्रिटी कलर गाइस, दिखाती हूँ आपको, दिस इज़ द कलर। नेक्स्ट है मेरे पास एक लिप टिंट सेरी की तरफ से, दिस इज़ द पाउट एंड शाइन लिप टिंट, और मेरा जो शेड है वो है बेरी मिंट। लुक द पैकेजिंग गाइस, इनर पैकेजिंग इसके डिफरेंट है, बाकी सबकी स्लीक ब्लैक नॉर्मल जो बुलेट लिपस्टिक होती हैं वैसी थी, और इसकी थोड़ी अलग है बिकॉज इट्स अ लिप टिंट एंड दिस इज़ द कलर, दिस इज़ पर्पल बेरी मिंट है ना, एंड बेरी की खुशबू आ रही है इसमें, फ्रेग्रेंस। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ जल्दी से स्वैच करके। ओके यू कैन सी, सो ये लिप टिंट है गाइस, तो ये एक लिप बाम की तरह काम करेगा, आपके लिप्स पे थोड़ा सा टिंट छोड़ देगा ये, एंड प्लस ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो लिप बाम की जगह पक्का मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे जो मुझे रिसीव हुआ, वो है ये मस्कारा गाइस। मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे जब ट्राई किया था मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से इसने कर्ल किया मेरे लैशेस को और सेपरेट भी किया। दिस इज़ दी मस्कारा, इसकी वॉन्ड जो है मस्कारा की मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी प्रिसाइज एप्लीकेशन हो जाती है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मुझे सेरी कॉस्मेटिक्स की तरफ से रिसीव हुए, इन सब का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाके चेक कर लेना। दूसरी जो ब्रांड है न्यू ब्रांड वो है लेम्फोर कॉस्मेटिक्स। चलो सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर लेती हूँ, ये जो ब्रांड है इसके जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले देख सकते हैं आउटर पैकेजिंग ग्रे कलर है, और जब हम इसको खोलते हैं इट लुक्स लग्जूरियस गाइज। जितने भी सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है बहुत ही अमेजिंग है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ दिस लेम्फोर का ब्लश, एंड मैंने इसको यूज़ किया हुआ है 1-2 बार। इसकी पिगमेंटेशन गाइज अमेजिंग है, दिस इज़ कोरल ब्लश यू कैन सी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं कहाँ पे ट्राई करूँ, अच्छा ये रहा, दिस इज़ द ब्लश। तो इसे बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी पिगमेंटेड है। उसके बाद मुझे हुआ है ये काजल रिसीव लेम्फोर स्टेयरमिक काजल। एंड हाँ, ये जो ब्रांड है वो है मेड इन जर्मनी, ये इंडिया की ब्रांड नहीं है। और दिस इज़ दी इनर पैकेजिंग ऑफ काजल, चलो उसको भी स्वैच करके देखते हैं। ये जो दूसरे नंबर का जो काजल है ना, ये है लेम्फोर वाला, एंड मैंने सेरी का जो काजल आपको स्वैच करके दिखाया था, देख रहे हो आप कितना जेट ब्लैक है, ये इतना ब्लैक नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है। नेक्स्ट है मेरे पास लिपस्टिक, दिस इज़ लेम्फोर ट्रेजर मैट लिपस्टिक, एंड इसके जो बुलेट लिपस्टिक की पैकेजिंग है ना वो भी मुझे बड़ी मस्त लगती है। लुक एट द शाइन, एंड लेम्फोर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ट्रेजर मैट लिपस्टिक है, मैंने इसको 1-2 बार ट्राई किया है, 1-2 बार अप्लाई किया है, ये प्रॉपर मैट लिपस्टिक है, मतलब आपके लिप्स पे अच्छे से ग्लाइड ऑन भी नहीं हो सकती, ये इतनी मैट लिपस्टिक है। लेकिन कलर बहुत अच्छा है, अगर आपको प्रॉपर मैट कलर पसंद है ना तो ये शेड बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये पिंक शेड है,
लास्ट प्रोडक्ट इस वीडियो का ये है लैम्फोर वेलवेटिक लिपस्टिक। एंड जब ये आई थी गाइस, ओप्सी, जब ये आई थी गाइस तो सबसे पहले मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाया था। मुझे इतनी पसंद आई थी ये, क्योंकि इसके पैकेजिंग तो एक तो मस्त एकदम, ऊपर से दिस इज़ कलर रेड गाइस। एंड ये प्रॉपर बिल्कुल डीप रेड नहीं है, ये टोमेटो रेड कलर है। और ये वेलवेट मैट लिपस्टिक है, तो ये इसकी जो फिनिश है वो वेलवेट मैट है। रुक जाओ, मैं जल्दी से स्वैच करके दिखाती हूँ। लुक एट द कलर गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी। तो दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट स्पेशली पसंद आया इस हॉल में से। मैं इनके लिंक्स जो हैं मैं कोशिश करूँगी देखने की मुझे मिल जाएँ, तो मैं ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं इन सब की डिटेल्स। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।